हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्टीमेट स्टडिंग प्लेटफॉर्म स्टूऑन। माई सेल्फ अविनाश करवार एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स। आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम IIT BHU इन 2017। सो लेट्स बिगेन अवर टूडेज क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। चलिए तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी ऑफ SHM के बारे में बात की थी, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई पार्टिकल है वो SHM कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना, दोनों का सम यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो एक SHM में किसी भी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी कि दोनों का सम जो है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। और इस चीज को हम लोगों ने कल डिराइव भी किया था, और आई होप कि आप लोगों को भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना भली बात से समझ में आया हो, है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन हो या एनर्जी हो, यहाँ से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। चीज अच्छे से आनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल का जो SHM कर रहा है उसकी हमें कैसे लिखनी है। तो इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लोग लिखते थे। यहाँ पे प्लस कुछ फेज कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे हमने इनिशियल फेज उसका जीरो लिया है, तो वो हो सकता है कि इनिशियल पोजिशन जीरो से स्टार्ट हो, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, या फिर हो सकता है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यानी कि अब ठीक, है ना, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी कि पाई घुमा दीजिए अपने ग्राफ को, पाई घुमा देंगे तो ठीक उल्टे डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। जैसे कल हम लोगों ने, है ना, साइन एक्स का ग्राफ भी पढ़ा था कि साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ देखो ये पॉइंट कौन सा होता है, पाई बाई टू, और ये पॉइंट कौन सा होता है, पाई होता है। तो पाई पे अगर हम लोग जाएंगे तो पाई पे हमारा ग्राफ क्या है, एग्जैक्टली रिवर्स हो गया है। तो पाई यानी कि हमें जब रिवर्स करना है, पार्टिकल हमारा रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में, है ना, हम क्या करेंगे, यानी कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाने लगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेज कांस्टेंट यानी कि इनिशियल फेज जो है वो हम लोग फाई रख सकते हैं, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, SHM में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो मास अटैच टू स्प्रिंग, है ना। मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए हम लोगों ने सॉल्व भी किया कि जैसे लेट अस से कि हमारे पास एक इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, सॉरी, और इससे एक मास इस तरीके से अटैच कर दिया गया, है ना, इस तरीके से स्प्रिंग हो और इस पे स्प्रिंग में मास अटैच कर दिया गया है, ठीक। मास अटैच कर देंगे और इस पे हम एक एफ फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं, ठीक, आगे की तरफ लगा के छोड़ देते हैं। तो इस ये जो एफ है, ये एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि के एक्स किस तरफ लगेगा, के एक्स हमेशा स्प्रिंग अपनी तरफ लगाएगी, तो ये जो फोर्स होगा, रिजल्टिंग फोर्स, दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। और इस फोर्स के लिए, है ना, जब ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो इसके लिए हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखी कि टाइम पीरियड जो है दिट विल बी इक्वल टू 2π रूट के बाई एम, है ना। ये हम लोगों ने टाइम पीरियड लिखा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π रूट के बाई एम, जिसमें के क्या है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है, मास क्या है, इस ब्लॉक का मास, ठीक। ये तो फर्स्ट केस के लिए हो गया, तो इसमें हम लोग टाइम पीरियड बता सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, है ना, और ओमेगा की वैल्यू बता सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर को ही तो हम के बाय एम लिखते हैं, है ना, तो ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम, यहाँ पे एम बाय के, सॉरी, है ना, जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन में क्या आता है, एम बाय के आता है, तो यहाँ पे एम बाय के आएगा आई थिंक, है ना। इक्वेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, है ना, प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय के, जिसमें इस क्वांटिटी को हम लोग के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, तो 2π/ω, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बाय के हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड जो हम लोगों ने फाइंड किया था, टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, 2π√m/k, है ना। टाइम पीरियड आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, टाइम पीरियड एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड,
निकाला था हम लोगों ने, हाँ, 2 पाई बाई ओमेगा, जिसमें ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से क्या लिखी है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई आर। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ना, मास तो ठीक है, ये जो के है वो के हम लोगों को हमेशा इफेक्टिव डालना पड़ेगा, के इफेक्टिव। जैसे एक स्प्रिंग है तो उसका तो सिंगल के होगा, दो स्प्रिंग होगा तो उसके लिए के इफेक्टिव लगाना पड़ेगा। अब स्प्रिंग जो है वो जैसे सीरीज में है तो उसके लिए के इफेक्टिव अलग होगा, अगर पैरेलल में है तो उसके लिए के इफेक्टिव अलग होगा, तो वो चीज भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, मास हैंगिंग थ्रू स्प्रिंग। स्प्रिंग से अगर मास हैंग मतलब लटका हुआ है इस तरीके से, तो इस वाले केस में भी है ना टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, ये वाला केस वन है, दिस इज केस टू। ओके, ठीक, तो अब देखिए कि जैसे अगर इस वाले केस की हम लोग बात करें है ना, यहां पे अगर बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो नीचे mg और ऊपर kx लगेगा। लेट से कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे एक्सटेंशन जो है वो x नॉट है, एक्सटेंशन क्या है x नॉट है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो हम लिखेंगे कि mg इज इक्वल टू kx नॉट है ना। बट अगर इस मास को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करके और फिर छोड़े और कहें कि ये जो मास है वो SHM कर रहा है ना, SHM कर रहा है, तो यहां से कुछ x डिस्टेंस नीचे आएगा और यहां से कुछ x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, तो इस वाले पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट, एक्स क्योंकि एक्स नॉट से और आगे आया है तो ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा और नीचे की तरफ mg हो जाएगा है ना। तो लेट अस से कि किसी इंस्टेंट पे ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी जीरो रहेगी बट इसमें एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक, ओके, मान लो कि किसी एक बीच में कहीं पोजीशन पे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, यानी कि नेट फोर्स एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन और नेट फोर्स एफ नेट। ठीक, अब यहां पे देखो mg माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू नेट फोर्स एफ नेट। mg की वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि के एक्स नॉट के बराबर है, माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नेट। के एक्स नॉट खत्म हो गया तो एफ नेट की वैल्यू यहां पे भी क्या आ गई, यानी कि नेट फोर्स इस पे भी क्या आ गया, माइनस के इंटू एक्स, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, तो अब यहाँ पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है तो ये फिर से किसकी इक्वेशन हो गई, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स किसकी इक्वेशन हो जाती है, SHM की इक्वेशन हो जाती है ना। और SHM में ये जो k है ये अगेन क्या होगा, वही जो कांस्टेंट हम लोग इसमें लिखते थे k, एग्जैक्टली वही है क्योंकि इसकी भी इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स थी एग्जैक्टली, जिसमें ये k क्या क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी भी इक्वेशन यही है, तो यानी कि ये दोनों जो SHM होंगे वो बिल्कुल सेम SHM होंगे और दोनों में टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π√m/k। ये हम लोग SHM का टाइम पीरियड इस केस के लिए भी लिखेंगे, यानी कि अगर एक मास लटका हुआ है सीलिंग से है ना थ्रू स्प्रिंग, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड जो है कितना आता है, 2π√m/k आता है। समझ में आ रही है बात है ना। यहाँ पे एफ नेट को अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ नेट प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, फिर एक्सेलरेशन को d2x/dt² लिखेंगे, तो सारा प्रोसीजर जो इसमें करेंगे वो सेम जैसे हम लोग इसमें करते हैं वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस के लिए तो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया ही है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/k। नेक्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है उसमें एक और स्प्रिंग जुड़ी हुई है और फिर हमारा जो ब्लॉक है वो अटैच है जिसका मास m है, यानी कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में दो स्प्रिंग है k1 और k2 और दोनों स्प्रिंग इस तरीके से सीरीज में जुड़ी हुई है। किसमें जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि दो स्प्रिंग अगर सीरीज में जुड़ी हुई है तो उसको हम k इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं
है ना, के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इन दो स्प्रिंग की जगह हम एक ही स्प्रिंग लगा सकते हैं जिसका के चेंज हो जाएगा, जिसका के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड दैट के विल बी इक्वल टू के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। अगर दो स्प्रिंग है तो, तीन है तो के वन के टू के थ्री अपॉन के वन प्लस के टू, समझ में आ रही है क्या बात? हाँ विकास, एम बाय के होगा, ठीक। तो जब दो स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच थी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में के इफेक्टिव कैसे लिखते हैं, के इफेक्टिव लिखते हैं वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू, तो उसी तरीके से हमने लिखा है और के इक्विवेलेंट लिख दिया है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाय के, है ना, t इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के, तो m बाय के में k की वैल्यू क्या होगी, अब हम लोग k इफेक्टिव डालेंगे, यानी कि 2 पाई रूट m बाय के इफेक्टिव, k इफेक्टिव इज k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। क्या बात समझ में आई? कुछ कुछ समझ में आई बात, है ना, कि यहाँ पे के इफेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला जो है उसमें हमेशा याद रखना है कि के जो हम लोग डाल रहे हैं वो के इफेक्टिव डाला जाता है। इसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब दो स्प्रिंग पैरेलली अटैच है किसी मास से, इस तरीके से, है ना, m मास है, ये m kg का मास है, और दो स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 इस तरीके से अटैच है। अगर इस तरीके से अटैच होगी तो फिर से हमें जो फॉर्मूला है उसमें k इफेक्टिव डालना पड़ेगा, एंड k इफेक्टिव इन दिस केस v2 प्लस k2, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है तो ये रेजिस्टेंस की बिल्कुल उल्टे तरीके से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टे तरीके से जुड़ते हैं, यानी कि अगर पैरेलल में है तो ये K1 प्लस K2 हो जाता है, K1 प्लस K2 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि की इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2, दैट मींस टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय K इफेक्टिव विच इज K1 प्लस K2। क्या कुछ कुछ बात समझ में आई आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, है ना। बेसिकली हमें एनालाइज करना है कि f इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बन रही है ना, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी, क्योंकि ये तो k, बस k इफेक्टिव ही तो चेंज हुआ है, बाकी तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, तो इक्वेशन भी सेम बनेगी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो मेन यही है कि इक्वेशन किस तरीके से बन रही है उसके अकॉर्डिंगली हम k फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में, कि द क्वेश्चन है द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू। दो ब्लॉक्स हैं इस तरीके से, है ना, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ। हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनके नीचे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो प्लेन स्मूथ है, ठीक। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए एक बार, है ना, कुछ थोड़ा टाइम ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स बोला गया है कि ये म्यू है, ठीक, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये स्मूथ प्लेन है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज फाइंड द टाइम पीरियड, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक। और दूसरा पार्ट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछा गया है, और टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। अब इस कॉम्बिनेशन को, है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों अगर साथ में एसएचएम कर रहे होंगे, पहली बात तो ये कि दोनों साथ में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात है। और दूसरी बात है कि अगर दोनों साथ में एसएचएम कर रहे होंगे तो दोनों को मैं एक ही मास मान लेता हूं,
जिसका टोटल मास है m1 प्लस m2, है ना। नीचे वाले का मास लेट अस से m1 है और इस वाले का मास m2 है। तो अगर ये दोनों साथ में SHM कर रहे हैं तो इन दोनों को तो मैं एक ही ब्लॉक मान सकता हूं, एक ब्लॉक मान लेता हूं जिसका टोटल मास m1 प्लस m2 है, और इसको थोड़ा सा है ना फोर्स लगा के फिर रिलीज करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये SHM कर रहा है, तो अगर ये SHM कर रहा है ना, तो SHM हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कंडीशन इसके लिए भी क्या आएगी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम है ये, जिसमें मास जो है, अब मास क्या है, मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक। तो m1 प्लस m2 यानी कि टाइम पीरियड जो आएगा वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, m की जगह m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k, दिस विल बी द न्यू टाइम पीरियड, है ना। यानी कि m1 प्लस m2 दोनों मास साथ में अगर SHM कर रहे हैं तो उनके लिए ये टाइम पीरियड है, प्रोवाइडेड कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना, जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, सफिशियंटली इन दोनों को साथ में होल्ड किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यही है कि अब ये फ्रिक्शन फाइंड करें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज एक्स। मेन पोजीशन से अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे चले जाते हैं, है ना, मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस आगे चले जाते हैं तो इनका फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स जो है इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दोनों स्लिप तो हो नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर, स्लिप होंगे तो ऐसे चम ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये दोनों स्लिप नहीं हो रहे तो कैसा, स्टैटिक लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें पता है म्यू इंटू एन होती है, और उसके अलावा कोई वैल्यू पता नहीं है। तो हमें तो पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लग रही होगी, तो हमें वो फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा बाय बैलेंसिंग द फोर्स। कि अगर ये एक्स डिस्टेंस पे हो गया तो देखो इधर तो एक के इंटू एक्स लगेगा, मीन पोजिशन पे एक्स नॉट पहले ही था तो के एक्स प्लस एक्स नॉट लगेगा, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज एक्स, तो मेन पोजीशन पे एक्स नॉट मान लेते हैं, है ना। मेन पोजीशन पे वो फाइंड भी कर सकते हैं कि मेन पोजीशन पे एक्स नॉट कितना होगा, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा नीचे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो मेन पोजीशन, है ना, मेन पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका नेचुरल लेंथ ही मेन पोजीशन हो जाएगा, है ना। इसके लिए तो जो नेचुरल लेंथ है यहाँ, यानी कि x इक्वल टू जीरो जो है वही क्या हो जाएगा, इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। तो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस आगे यानी कि x नॉट जीरो, तो इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू k इंटू एक्स, क्योंकि मीन पोजीशन x नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो k इंटू एक्स इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा, है ना। और फ्रिक्शन अब इन इस पे, है ना, के एक्स फोर्स टोटल नीचे की तरफ लगा, और ये फिर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि दिस के एक्स इज इक्वल टू मास टोटल एम वन प्लस एम टू इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, के इनटू एक्स डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, यानी कि उस इंस्टेंट पे जब एक्स डिस्प्लेसमेंट होंगे तो इस एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, है ना, कि ये ब्लॉक, दोनों ब्लॉक जो है वो एक्स डिस्टेंस आगे खींच दिए गए हैं। अब एक्स डिस्टेंस पे जब ये छोड़ा गया तो वहां पे इनके ऊपर एक जो पूरा सिस्टम है M1 प्लस M2, उसके ऊपर एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वो है इस स्प्रिंग का। तो कितना फोर्स लगा, के एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन पता चला, ठीक है भाई ये एक्सेलरेशन है इसका, एक्सेलरेशन तो पता है हमें इतना हो गया। ये एक्सेलरेशन छोटे वाले ब्लॉक का भी अब होना चाहिए, छोटे वाले ब्लॉक का भी सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी कि उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो जैसे कि ये जब पूरा का पूरा मास आगे जा रहा है ना, तो इस M2 ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा जो M2 को आगे की तरफ ले जाएगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो M2 तो बेचारा फिसल जाएगा पीछे। ओके, विकास ने आंसर बताया है कि 2mkx by m plus m आएगा। ओके, ओमेगा की वैल्यू तो ठीक है आपकी,
एम के एक्स बाय एम प्लस एम, चलिए देख लेते हैं एम के एक्स प्लस एम प्लस एम वैल्यू आएगा या कुछ और आएगा, है ना। तो क्या लिखा हम लोगों ने, एक्सेलरेशन, ये अब यही एक्सेलरेशन m2 का भी होना चाहिए, और प्रोवाइड कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि m2 पे तो और कोई फोर्स ही नहीं है जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इसका, फ्रिक्शन फोर्स। तो दिस फ्रिक्शन fs इज इक्वल टू मास ऑफ दिस m2 इनटू एक्सेलरेशन kx डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। यानी कि ऊपर क्या होगा, स्मॉल मास होगा एम के एक्स इंटू एम वन प्लस एम टू, विकास इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। पहले तो हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड किया, तो टाइम पीरियड तो सिंपली एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना था, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि म्यू इंटू एन होता है, बट इंटरमीडिएट वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, बिकॉज दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो हम लोग डायरेक्टली बता देते कि म्यू इंटू एन लगेगा, बट यहां पे वो केस नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमने फाइंड किया मास इंटू एक्सेलरेशन से, ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट है हमारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यानी कि सीलिंग है, सीलिंग से एक बॉब इस तरीके से लटका दिया गया है, है ना। तो ये ऑस्किलेशन करेगा, कैसा ऑस्किलेशन, एंगुलर ऑस्किलेशन, है ना। यहां से कुछ थीटा डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में और थीटा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में, इस तरीके से होगा। तो यहां से यहां तक इसका एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा, लेट अस से दिस इज थीटा नॉट, इसके बीच में कहीं पोजिशन इसकी थीटा है, है ना। तो इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे वहां पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते थे, यहां पे लिखेंगे हम लोग नेट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, है ना। नेट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, टॉर्क हम लोग इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो है ना, इसका जो जनरल टाइम पीरियड आता है इक्वेशन को सॉल्व करने पर, जनरल टाइम पीरियड आता है 2π√L/g, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, ठीक। सिंपल सी चीज है जिसमें L क्या है, L लेंथ ऑफ पेंडुलम है, है ना। आएगा कैसे, तो सेम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, टॉर्क को हम लोग लिख देंगे आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। तो तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आई अल्फा प्लस के इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, आई इंटू अल्फा को लिखेंगे डी टू थीटा बाई डी स्क्वायर प्लस के इंटू थीटा इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू इस बार एल और जी के टर्म्स में आएगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एल के टर्म्स में रहेगा, है ना। तो उसको फाइनली सॉल्व करने पे टाइम पीरियड जो आता है दैट इज 2π√L/g फॉर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम, ठीक। तो ये तो था कि हमारा सिंपल पेंडुलम बस सीलिंग से लटका हुआ है, है ना। तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, टाइम पीरियड बता सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, है ना। उस इसके भी दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यहां पे देख सकते हैं कि जो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, और अल्फा यहां पे अल्फा मतलब मैक्सिमम होगा, यहां पे ओमेगा मैक्सिमम होगा, है ना। यहां पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और टॉर्क यानी कि अल्फा जो है वो जीरो होगा। सिमिलर केस है बिल्कुल जो हम लोगों ने स्प्रिंग मास के लिए सॉल्व किया है, ठीक, ओके। क्या होगा जब यही पेंडुलम, है ना, यही पेंडुलम एलिवेटर में रख दिया जाए, यही पेंडुलम एलिवेटर में रख दिया जाए, और लेट से कि वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, और टाइम पीरियड में जो जी लिखा गया है यहां पे अब हम लोग लिखेंगे जी इफेक्टिव, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π√L/g, वेयर जी जो है वो कौन सा यूज होगा, जी इफेक्टिव यूज होगा। तो जब हमारा एस्केलेटर ऊपर जाता है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी माइनस ए,
है ना। और ये कब, जब ऊपर जाता है, और जी इफेक्टिव जब एस्केलेटर नीचे जाता है, सॉरी जी प्लस ए, और जब नीचे जाता है तो जी माइनस ए, है ना। तो जी इफेक्टिव की हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी इफेक्टिव हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी सीखा है, वर्क पावर एनर्जी में भी सीखा है निकालना। तो वहां पे अब हम लोग जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो जब भी, यानी कि सिंपल कंडीशंस नहीं होगी, पेंडुलम जो है सिंपली किसी रूम में लटकाया नहीं गया है, किसी एलिवेटर में लटकाया गया है, या फिर किसी कार में, है ना, इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, तो उन सारे केसेस में क्या होगा कि हमको जी इफेक्टिव पुट करना पड़ेगा जी के बजाय, ठीक, ओके। तो सिंपल पेंडुलम अगर हो, या फिर कोई सिंपल पेंडुलम, है ना, कार में या एलिवेटर में रख दिया गया हो, तो उसके लिए भी हम लोग टाइम पीरियड सॉल्व करके बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है सुपर पोजिशन ऑफ 2SHM। सुपर पोजिशन ऑफ 2SHM, सुपर पोजिशन ऑफ 2SHM का क्या मतलब है कि 2SHM हो रहे हैं, दोनों SHM को एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इंपोज कर दिया जाए, है ना, दोनों का इंटरफेरेंस हो जाए, तो उसका रिजल्टेंट जो SHM है उसके अंदर रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसका रिजल्टेंट टाइम पीरियड क्या होगा, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। अगर दो SHM को सुपर इंपोज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और जो उनका फेज है वो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो लेट अस से कि जनरल हम कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और Y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, जिसमें नेट फेज डिफरेंस फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव टू माइनस फाइव वन, दोनों का फेज डिफरेंस, है ना, दिस इज फेज डिफरेंस। अब इसमें एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, ठीक, एक का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसको हम वाई नेट कह देते हैं, उसमें क्या लिखेंगे, ए नेट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नेट, है ना। नेट फेज डिफरेंस उसका तो कुछ और आ जाएगा, उसको मतलब अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फाई नेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लो फाई नेट है तो हमें यहाँ पे कोई दूसरा फेज डिफरेंस, फेज कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा उसका तो फेज डिफरेंस हम डायरेक्टली नहीं बता सकते ना कि फाइव वन होगा या फाइव टू होगा या क्या होगा, मान लेते हैं अल्फा है, ठीक। यानी कि दो SHM के सुपर इम्पोजिशन से जो नया SHM मिलेगा तो उसका, है ना, नेट इक्वेशन क्या होगी, और नेट इक्वेशन में नेट एम्पलीट्यूड क्या आएगा और नेट फेज डिफरेंस क्या आएगा, ठीक। तो जो ये नेट एम्पलीट्यूड है, पहले इसकी बात करते हैं, तो ये नेट एम्पलीट्यूड जो है दो अलग अलग SHM की वजह से, दैट इज वेक्टर सम ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स, है ना, जो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स हैं उनका वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम यानी कि ये A1 हो गया एक वेक्टर और A2 हो गया दूसरा वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, फाई नेट, है ना, फाई नेट विच इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन। तो इस A1 A2 को वेक्टर की तरह मान सकते हैं कि वेक्टर A1 है और वेक्टर A2 है, और नेट ए नेट वेक्टर किधर होगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो किस तरफ होगा। तो वेक्टर के केस में तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जो है वो कहां होता है, एग्जैक्टली बीच में, मतलब बीच में कह रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम उसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं कि एंगल अल्फा क्या होगा A1 के साथ, या A2 के साथ भी फाइंड कर सकते हैं। A1 के साथ लेट अस से हम अल्फा एंगल मानते हैं, तो A1 के साथ उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि A नेट कितना होगा वो भी बता सकते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल, मतलब दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर्स मान के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 इंटू कॉस फाई नेट, है ना, दोनों का नेट फेज डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, A नेट हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर हम लोग जो एंगल है
है ना, एंगल है किसका, तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरीके से आया है, इस वे में, ये क्या है हमारा ए नेट है, ये जो ए नेट है इसका एंगल भी बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा, तो टेन अल्फा इज गिवन बाय ए टू साइन, है ना, ए टू साइन फाई डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। बोलो ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा है। ये क्या है, ये नेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यानी कि ए वन और ए टू को हम लोग वेक्टर मान के बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और नेट एम्पलीट्यूड उस रिजल्टिंग एसएचएम का फाइंड कर सकते हैं। तो नेट यानी कि अब हम एंगल बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, है ना, नई वेव का, इसका ए नेट जो आएगा वो कितना होगा, है ना, और जो नेट फेज एंगल आएगा या फेज कांस्टेंट आएगा वो फेज कांस्टेंट क्या होगा, ये दोनों चीजें हम लोग बता सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें बता जाए तो नेट इक्वेशन भी बता सकते हैं उसकी, और फाइनली हमें तो इक्वेशन ही चाहिए उसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जानने के लिए, है ना। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। ठीक, क्या चेंज होगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। है ना, ओके, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि दो एसएचएम है, लेट अस से कि एसएचएम है वाई वन इज इक्वल टू पाई साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री एंड वाई टू इज इक्वल टू पाई साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक, रिजल्टेंट वाई नेट कितना होगा वो कोई बता सकता है, रिजल्टेंट वाई नेट कितना होगा और एम्पलीट्यूड, जो नेट एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा और जो फाइनल रिजल्टेंट वेव आएगी उसका फेज डिफरेंस, यानी कि अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका अल्फा कितना होगा। ठीक, तो ए नेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नेट, ए नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू इंटू कॉस फाइव। फाइव क्या है, फाइव टू माइनस फाइव वन है, है ना, पूरा फॉर्मूला जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए। फाइव क्या है, फाइव टू माइनस फाइव वन है, तो ए वन स्क्वायर जो है, ए वन स्क्वायर यानी कि फाइव स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर इज अगेन फाइव स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू कॉस कॉस फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू कितना है नाइनटी माइनस थर्टी यानी कि सिक्सटी डिग्री। ठीक, तो फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर ये कितना हो गया, ये फिफ्टी हो गया, प्लस ये कितना हो गया फिफ्टी बाई कॉस सिक्सटी इज हाफ अंडर रूट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू थ्री बाई टू, 50 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू 25 रूट 25 इंटू थ्री, है ना, अंडर रूट 25 इंटू थ्री। चेक कर लीजिए सही किया है नहीं किया है, ए वन स्क्वायर फाइव स्क्वायर ए टू स्क्वायर फाइव स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वन 5 into a to 5, 5 5 जा 25 cos 5 to minus 5 1 is 60 degree, है ना, दोनों फेस के बीच का डिफरेंस, तो 25 plus 25 50, ये भी 50 और cos 60 is half, है ना, तो 50 into 1 plus half 3 by 2, ये हो गया पूरा रूट में, तो ये कितना आ गया 25 root 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 root 3, क्या आएगा अल्टीमेटली 5 root 3, ये a net आ गया, 10 phi की वैल्यू, 10 अल्फा सॉरी 10 अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ए टू, ए टू यानी कि 5, ना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ए टू साइन 5 अपॉन ए वन प्लस ए टू साइन कॉस 5, तो ए टू यानी कि 5 साइन 5, साइन 5 यानी कि 5 कितना है 60 डिग्री यानी रूट थ्री बाई टू, है ना, और a1 प्लस a2 यानी कि 5 प्लस 5 cos 60 डिग्री हाफ। ठीक, तो ये हाफ और ये हाफ चला जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 रूट 3, यहाँ पे 10 प्लस 5,
है ना, ये कितना बचा 15, यानी कि 3, तो 1 बाय रूट 3 टेन अल्फा, ठीक है। तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू भी बता सकते हैं, कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि नेट फेज जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, और एम्पलीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा 5√3 आएगा, है ना। ओके, कैलकुलेशन एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा सब सही हो, है ना, और खुद से ट्राई भी कीजिएगा, फाइन। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया हो, है ना, इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कि y1 जो है वो दिया हुआ है 3 साइन, है ना, ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, और y2 दिया हुआ है 3 cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। ठीक, आपको फाइंड करना है y नेट कितना होगा, a नेट कितना होगा, और नेट जो y नेट आएगा उस वेव का, उस SHM का, है ना, फेज कांस्टेंट या फेज डिफरेंस कितना आएगा। ठीक, ओके, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। कंडीशन आप लोगों ने समझी है कि जो इक्वेशन SHM की होनी चाहिए, देखिए यहाँ cos में है तो cos में इक्वेशन अलाउड नहीं है SHM की। अगर डिस्प्लेसमेंट है, ये x1 और x2 की जगह मैंने y1 और y2 लिखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। और यहाँ पे जो है इसको x1 और x2 से ही लिख देते हैं, मान लीजिए x1 और x2 ही है, कोई दिक्कत वाली बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन cos अलाउड नहीं है, साइन ही होना चाहिए, है ना, साइनसोइडल वेव होता है, तो साइन के टर्म्स में हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर नेट इक्वेशन ऑफ SHM निकलेगा। ठीक, ओके देन। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आज का लेक्चर भी समझ में आया हो, है ना, ओके। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इसी तरीके से। ठीक, ओके देन, बेस्ट विशेज, आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, टाइम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके देन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ऑन H2ON, स्टडी इज ऑलवेज ऑन, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।